हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास टेंथ की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 87 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 23 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है, ये इसमें आपको करने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जो आपके इसमें टोटल दिए गए हैं 8 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली आपकी वर्कशीट। बच्चों, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। माय डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में है, वो है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट हमारा पारित हुआ था 26 जनवरी 1919 को। ठीक है, ये डेट है इसकी, आप इसको लिख देंगे। और बच्चों, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए कई सारे आपके ऑप्शन हैं, तो एक इसमें आपका जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल ठीक है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, और सारे आपके इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। जुसेपे मेत्सिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना करी थी। प्रधानमंत्री कावर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में विक्टर एमिनल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। तो इसमें जो कथन आपका सत्य नहीं है, संबंधित नहीं है, वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे लिख रखा है। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, सामान्य अवज्ञा आंदोलन सन में वापस लिया गया। तो बच्चों, इसका उत्तर आप क्या लिख देंगे, इसका उत्तर लिखेंगे 1931 में। 1930 में सामान्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, लेकिन 1931 में सामान्य अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो ये लिख देंगे आप इसके प्रश्न के उत्तर में। अब अगला प्रश्न आ जाते हैं, किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी छींकता है? सीखता नहीं है, ये छींकता है बच्चों, छींकता है ना। तो जब यूरोप छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, इसका आंसर लिखेंगे ये कथन मैट्रिच ने कहा था। राइट, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो ये हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से करना है, ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। इसमें महिलाओं के चित्रों को राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित कर दर्शाया गया। मरियाने, यह फ्रांस का रूपक चित्र था जो आज़ादी और राष्ट्रवाद की भावनाओं को लोगों के अंदर बढ़ाती। जर्मेनिया, यह शब्द का देश का रूपक चित्र था, यह सहलबतूत की जो पत्तियों को मुकुट सिर पर पहनती थी, जो साहस का प्रतीक था। तो ये आपका लिख देंगे प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो मांगें की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, तो आप लिखेंगे भू राजस्व को कम होना और नमक कानून का उल्लंघन, है ना, नमक कानून को का उन्मूलन करना और भू राजस्व कम होना, ये दो महत्वपूर्ण मांगें थी जो गांधी जी ने पत्र की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग लिखी थी, क्योंकि नमक जैसे आम और महत्वपूर्ण साधन पर भी रोक लगी हुई थी, जिसके कारण सारे वर्ग के लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। अब चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के का योगदान, एक तो भाषा के रूप में हुआ, भाषा ने पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा आप लिखेंगे लोक संस्कृति, जर्मन दार्शनिक योहाना ग्रांडफ्रीड हल्डर धर्म का यह मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित है। तीसरा आप लिखेंगे संगीत, कैरोल नाम के एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष, बच्चों ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप इसको संघर्ष लिख लें, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, संघर्ष में अपने ओपारा और संगीत का गुणगान किया और पोलोनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ठीक है,
चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो अल्लूरी सीताराम राजू तत्कालीन समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान जानते हो क्या होता है, जो शराब होती है उसको बोलते हैं, और तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी, और वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। तो आप इसको भी लिखें अपने उत्तर में। तो बच्चों ये होती है आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल बेनिफिशियल होगी। बच्चों आपको चार काम जरूर करने हैं, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके जाना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।